चलो विद्या की माँ जल्दी करो। आई तेरे लिए इस बार बैंगलोरी सिल्क पक्का। रहने दे। अगर आई तू फिर शुरू हो गई। महीने में 4 बार जाती है मैं टूर पे, तू हर बार। अरे इसकी तो आदत है, आंखों में लीकेज है इसके। तू आ जा। बाय रूपा। बाय। बाय। जिंदगी का एक अनिवार्य सत्य है, लेकिन अननेचुरल डेथ, अकाल मृत्यु जिंदगी के मकसद को ही छुटला देती है। परिवार और समाज को दुख, दर्द और खौफ की ऐसी खाई में ले जाती है जहां से निकलने में उन्हें कई बार बरसों लग जाते हैं। मुंबई में बसे मीरा रोड में जुलाई 2014 से घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला चल पड़ा जहाँ जिंदगी ताश के पत्तों का घर बनकर रह गई और कौड़ियों कौड़ियों बिखर गई। भी मेरी क्या रे, क्या खा के आ रहे आज तू साला? एक के बाद दूसरी बाजी। ये कहीं तू गोची तो नहीं कर रहा ना? अरे देख, मुझे लग रहा तू गोची कर रहा है। तू जानता है ना तू किसके साथ खेल रहा? मेवा बोलते मेरे को मेवा। मैं क्यों गोची करूंगा? खेलने में कभी नहीं है। क्या इधर क्या दिखा जरा? अरे क्या छोड़। अबे तेरी तो ये क्या, ये अबे शाला बंदा इधर आ। मेरे से गोची कर रहा तू? पैसे दे, पैसे। तू मेरे से गोची कर रहा? तू जानता है ना गोनू? अबे गंदी नाली के कीड़े, तेरे मास के पूछ के मारूंगा लाफा। आ तू मेरे साथ गोची कर रहा? माँ का नाम नहीं लेने का। माँ है क्या तेरी? गंदी नाली का कीड़ा तू समझा? कीड़ा साले चिकने पकड़, इसको पकड़। ए चिकने, चिकना पकड़। छोड़ छोड़ छोड़। मारता है साले। ए हट हट, बेवा को मारता है। बेवा को मारेगा, बेवा मारेगा, बेवा को मारेगा। वाली बस्ती से कहीं दूर लेकर जाती। दुख रहा है माँ, माँ दुख रहा है। माँ तू फिक्र मत कर, मैं बड़ा हो गया बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। हमारे पास बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, बहुत सारे पैसे हो गए। तू फिक्र मत कर। एक तो अपनी बकवास बंद कर, समझा ना? दुख रहा है। हेले पैसे दे मेरे से। मैं बोला तुमको देता हूँ करके पैसे दूंगा। हेले जब मिलता बोला अभी दूंगा, अभी दूंगा। कब देगा बे तू? दो 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 दिन का टाइम देना मेरे को, मैं देता हूँ पैसे। अबे टाइम ही तो नहीं अपने पास, समझा? अब देख तेरा टाइम खत्म हो गया क्या? समझा? ले डाल दे। निकलते यार, कोई देख लेगा। चल अबे पवन, देख पवन ने देख लिया यार। पकड़ उसको, पकड़ पकड़ उसको। यार रुक रुक। पवन, क्या हुआ? हाँ क्या सवाल क्यों है? क्या हुआ? अरे वो लोग मुझे मार देंगे। कौन मार देगा? पवन हुआ क्या बताएगा? कौन मार देगा? क्या कर दिया है तू? अरे मैंने कुछ नहीं किया।
गया। सच में आए वो लोग मुझे भी मार देंगे। भाई कौन किसको मार देगा? मेवा उसके दोस्त मुझे मार देंगे। कुत्ते के बिल्ले बाहर निकल। खोल रे बोल। बाहर निकल कुत्ते का बिल्ले। तू जा बोल। कौन है? पिल्ला किधर है तेरा? वो इधर। अरे हाँ कोई नहीं है। बोल किधर है तेरा पिल्ला? कोई नहीं है। मैं बोल रही हूँ। नहीं बोलेगी, मैं खुद देखता हूँ। मैं बोल रही है ना, वो नहीं आया घर पे। आई शपथ नहीं आया। चुप रहे, मेरे को देखने दे। कहाँ है तेरा पिल्ला? किधर है तेरा पिल्ला? खून सवार है मेरे सर पे। मैं बोल रही है ना, कोई नहीं है। आएगा तो बोल उसको, जो देखा जो सुना। अगर किसी को बोला ना दिल्ली निकाल लूंगा मैं उसकी, और तेरे हाथ में उसका कटावा सर रखूंगा मैं। क्या समझी? किसी को कुछ नहीं बोलेगी ना वो बोलेगा। समझा उसको? कुछ नहीं बोलना। ए चिकने समझा इसको। समझ जा जो भाई ने बोला है। आपने ये लाश कब देखी? सर मैं जब सुबह निकला ना तो यहाँ पे पड़ी हुई थी लाश। सर मुझे पता है सब किसने किया। किसने? मेरा और उसके दोस्त लोगों ने किया है। किधर चला गया? पवन भाव भाव पवन को देखा क्या? पवन एटिंग को पवन को देखा क्या? रे मेरे को नहीं पता। पवन भाव 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 पवन को देखा क्या? भाव पंगाऊंगा तो नहीं हुआ था। जो देखा जो सुना, अगर किसी को बोला ना दिल्ली निकाल लूंगा मैं उसकी, और तेरे हाथ में उसका कटावा सर रखूंगा मैं। एक काम कर, मैं तो कहती जाके पुलिस में खबर कर दे। तो तुम्हारे बेटे ने मेवा उसके साथियों को चाकू चलाते हुए देखा था? ओ साहेब। फिर साहेब मेवा घर पे आके धमकी दिया कि अगर पवन ने किसी को भी कुछ भी कहा तो उसकी तिल्ली निकालेगा, उसकी मुंडी काट कर मेरे। पर साहब पवन ने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। साहब ये मेवा और उसके साथी तो लॉकअप में बंद है। yes. उनमें से कोई नहीं कर सकता। हो सकता है काम उसके किसी जोड़ीदार ने किया हो। हम पूछताछ करते हैं। बच्चे की कोई तस्वीर कोई फोटो वगैरह? फोटो तो नहीं, पर बहुत छोटा है साहब, इतना बड़ा साहब, हल्के गुलाबी रंग की टी शर्ट पहनी थी। बहुत बोलता है साहब, पर बहुत भोला है, एकदम इस बेवकूफ है साहब। वो एक बार मुझे मिल जाएगा ना साहब, उसे किधर इस नहीं जाने देगी साहब, मैं किधर इस नहीं जाने देगी। उसे बच्चे की डिटेल्स लेके आसपास के सभी थानों में पहुंचा था। ओके सर। साहब मेरा बेटा मिल जाएगा ना साहब? मिल जाएगा, हम कोशिश करेंगे। मीरा रोड इलाके से पवन भली भांति परिचित था। अपने आप में वो एक तेज चतुर बच्चा था, और ऐसे में उसका इस तरह से अचानक लापता हो जाना किसी भयानक अनहोनी की तरफ ही इशारा कर रहा था। हमारे देश में लापता बच्चे आम तौर पर यौन शोषण, गुलामी और भीख का शिकार हो जाते हैं, और कई बार तो ऐसा हश्र होता है कि इंसानी रूह कांप जाए। Thank you.
चढ़े आप लोग। ये मेरा पवन नहीं था। सर, बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत जहर खाने से हुई है। और जहर उस केक में था जिसे बच्चे ने हाथ में पकड़ा हुआ था। हाँ सर। ये सड़क मीरा रोड इंडस्ट्रियल एरिया से होकर गुजरती जिसके किनारे उस बच्चे की लाश मिली। देशमुख जरा ध्यान से देखो, इस सड़क के किनारे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, जिनमें से कई फैक्ट्रीज में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। हाँ सर। बच्चा सड़क पर दूर से चलता हुआ आया, ये देखो ये एक सीधी सड़क है, तकरीबन कोई 3-4 किलोमीटर लंबी। हो सकता है इनमें से किसी फैक्ट्रीज में लगे हुए सीसीटीवी कैमरास उस बच्चे की कोई तस्वीर कैद हुई है। मैं भी पता करता हूँ सर। सर, आपका अनुमान बिल्कुल सही था, बच्चा मीरा रोड इंडस्ट्रियल एरिया वाले ही रोड पे किसी एक पॉइंट से चला था। और सर, उसी रोड पे करीब 2 किलोमीटर पहले एक फैक्ट्री है, और ये फुटेज उसी फैक्ट्री के बाहर लगे कैमरे की है। ये तो वही बच्चा है। हाँ सर, ये फुटेज लाश मिलने करीब 40 मिनट पहले की है। और सर ये देखिए, ये टैक्सी का नंबर भी साफ दिख रहा है। गुड वर्क देशमुख, इस औरत की तस्वीर आसपास के सभी थानों में सर्कुलेट करवा, और इस टैक्सी को ढूंढो, इसका नंबर MS04BSK8335। ये नंबर काफी क्लियर है। सर, टैक्सी के नंबर को लेकर हमारी 2 टीमें ऑलरेडी निकली हुई हैं, बाकी इस औरत को तो मैं खोज निकालूंगा। चढ़िए। ये तो वही लड़की जिसे हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा था। हाँ सर। इसे भी शायद गला दबा के मारा गया। इसके पास कोई सामान वगैरह मिला, पर्स या बैग? नहीं साहब, कुछ भी नहीं मिला। बच्चे की लाश फैक्ट्री से 4 किलोमीटर आगे, और लड़की की लाश यहाँ। बच्चे को जहर देके मारा गया, और लड़की को शायद गला दबा के। सर, कुछ उलझा हुआ सा मामला लगता है। बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। साहब, मेरे बच्चे की कोई खबर? साहब, अभी तक तो नहीं, लेकिन हमारी तलाश जारी है, जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। वो मिलेगा आपको साहब, मेरा दिल कहता है मेरा पवन आपको मिलेगा। बस मुझसे थोड़ा नाराज हो गया साहब, मैं उसको मारती थी, डांटती थी, गालियां देती थी ना, इसीलिए बस नाराज होकर कहीं भाग गया साहब। लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती है साहब, इस दुनिया में उसके सिवा मेरा और कोई नहीं है साहब, कोई नहीं है। अभी आप घर जाओ, जैसे कोई खबर लगती है हम आपको बता देंगे। सर, उस टैक्सी का नंबर जाली था, मैंने आरटीओ के सारे रिकॉर्ड चेक करवाए, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। सभी लोकल टैक्सी स्टैंड पर जाकर पर्सनली चेक करो, और सभी टैक्सी ड्राइवर को बच्चे और लड़की की तस्वीर दिखाओ, हो सकता है इनमें से किसी ने उन्हें टैक्सी पे जाते हुए देखा। ओके सर। और हाँ, आसपास के सभी थानों में जाकर पता करो कि पिछले 10-11 दिनों में कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं हुई किसी बच्चे या फिर सर किसी लड़की की। राइट सर। आपके थाने में इस बच्चे को लेकर कोई कंप्लेंट आई है क्या? नहीं। उस लड़की के साथ पहले बलात्कार हुआ, बाद में बड़ी बेरहमी के साथ गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई। और सर, हमें बच्चे के बारे में एक जानकारी भी मिली है, बच्चा वसई रोड के एक फुटपाथ पे रहता था। और उसके कपड़े? कपड़े तो सर उसने अच्छे पहन रखे थे, लेकिन वो कचरे उठाने का काम करता था। बड़ी अजीब पहेली है देशमुख, एक लड़की और एक बच्चा जिसे जहर देकर मारा गया है, और फिर लड़की की लाश जिसे गला घोटकर मारा गया है। एक पैटर्न सा बनता जा रहा है, लेकिन कुछ अधूरा, कुछ कड़ियां मिसिंग है इसमें। हेलो, क्या क्या हुआ सर? नायगांव पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर साटे का फोन था, बता रहा था कि काशी नायगांव के पास एक लड़की की लाश मिली है, बॉडी में पहचान के लिए कोई भी चीज नहीं मिली है।
ये गले पे निशान? गला दबा के मारा गया। लगता है लड़की के साथ जबरदस्ती भी की गई। सर हमने पुलिस स्टेशन में एक बुजुर्ग पति पत्नी आया है, उनकी बेटी खो गई है। ज्यादा को बोलो उनको मॉर्गे ले जाए। ओके सर। ये क्या हो रहा था मुंबई शहर में? एक के बाद एक पुलिस को एक लड़की जिसका बलात्कार किया जाता और कुछ ही दूरी पर एक बच्चे की लाश मिल रही थी, ये एक पैटर्न बन गया था। लेकिन कौन कर रहा था ये सब और क्यों? अपनी मृदुल नहीं है ये, कायकुर होती है। अपनी बेटी को कुछ नहीं हुआ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी मेरी बेटी साहब। वो ऑफिस कैसे जाती थी? अपार्टमेंट के गेट से ऑटो लेती थी, चौकीदार ने भी उसे देखा। साहब वो रोज सुबह गेट से ऑटो पकड़ती थी, लेकिन उस दिन टैक्सी से गई। ये बात मैंने उसके माँ बाप को ही बताई। टैक्सी से? हाँ साहब, उस दिन गेट पे एक बच्चा। बोल क्यों रहे हो आप? कहाँ रहते हो आप? पूनम नगर। ड्राइवर से क्या बात हुई इस लड़की की? साहब वो लोग बहुत दूर खड़े थे तो सुन नहीं पाया। गाड़ी का नंबर याद है? जा। टैक्सी, बच्चा और लड़की। पिछले केस में भी यही हुआ था ना? हाँ सर, लेकिन वहाँ तो बच्चे की भी। सर सृष्टि कॉम्प्लेक्स के पास एक लाश मिली है, कोई बच्चा है करीब 7-8 साल का। अभी जो चौकीदार गया उसको गाड़ी में बिठाओ। यस सर। चलो। साहब ये तो वही बच्चा है जो कल मृदुल मैडम के साथ टैक्सी में बैठा था। सर इसके भी हाथ में केक है। ये मेरा बेटा नहीं है साहब, मैंने आपको कहा था ना मेरा बेटा जिंदा है साहब। ऐसे रोज रोज लाश दिखाकर मुझे मत मारो साहब, ऐसे मासूम बच्चों की लाश देखकर मैं मर जाऊंगी साहब, मैं मर जाऊंगी। किरण के बेटे पवन का कुछ पता नहीं चल रहा था, कहीं वो भी इस सुनियोजित खौफनाक सिलसिले का शिकार तो नहीं हो गया था। फिलहाल पुलिस इस उलझी हुई गुत्थी से एक स्पष्ट सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही थी। देशमुख के शहर में लगातार एक ही जैसी वारदात हो रही है, हर बार एक ही पैटर्न, एक जवान लड़की, एक बच्चा और टैक्सी। पहले लड़की का रेप किया जाता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है और बच्चे को कुछ खिलाकर बाद में मार दिया जाता है। लगता है कोई बड़ी तैयारी के साथ ये सब कर रहा है। इस अपराधी का मकसद हवस हो सकता है या फिर शायद कुछ और ही। फिलहाल तो हमें इसे रोकना होगा। लेकिन कैसे? सिर्फ एक ही तरीका है। हीरो ने क्या डायलॉग मारा पता है? जास्ती बोलने का नहीं, नहीं तो इधर ही 3 का 13 कर देगा मैं। मस्त ना? ए हीरो। सब चना हो गया? मेरा? ये ले। सब चिल्लर दो। अरे रख ले। बेटा एक्टिंग बहुत अच्छी करता है तू। फिल्मों में काम करेगा? फिल्मों में? हाँ। मेरा दोस्त है ना फिल्म प्रोड्यूसर है, एक फिल्म बना रहा है। तेरे जैसी बच्ची की जरूरत है उसको। लेकिन तेरे को मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ करेगा ना सर। पक्का? हाँ हाँ। ये ले। 1000 का नोट? हाँ, अरे ये तो बस एडवांस है, काम होने के बाद और पैसे मिलेंगे। ये पक्का? जरा। ये ले पकड़। चल आजा गाड़ी में फटाफट। आई, 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 आई। क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारी आई कहाँ है? अच्छा तुम्हें तुम्हारा घर तो पता होगा ना? हाँ, वो
मंदिर के पास। मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़कर आऊंगी। हाँ चलो। क्या नाम है तुम्हारा? दीपू। ये बताओ तुम गुम कैसे हो गए? अरे मैडम, आजकल के माँ बाप ना अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते। वैसे आजकल टैक्सी में ट्रैवल करना कितना रिस्की हो गया है ना? वो कैसे मैडम? हाँ, अभी मुंबई पुलिस का मैसेज आया है सबको कि सचेत रहें, अगर रास्ते में कोई लापता बच्चा मिले तो पुलिस को इन्फॉर्म करें, और लिखा है कि ऑटो या टैक्सी में ना बैठे। अरे बेटा, यही मंदिर है ना, देख जरा। हाँ हाँ, वही मेरा घर है। रुको रुको। अरे बेटा सुन, चलो मैडम आपको छोड़ देता हूँ। हेलो। हाँ मम्मी, मैं टैक्सी में ही हूँ। हाँ हाँ, मैं घर पहुंच ही रही हूँ, 10 मिनट में मैं पहुंच ही जाऊंगी। ठीक है। हाँ क्या हुआ? मैडम वो है ना, गैस खत्म हो गया। एक काम करो ना, दूसरी टैक्सी पकड़ो ना। काश के इस लड़की ने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी होती। काश के पुलिस इस खबर के आधार पर उस दरिंदे को पकड़ पाती। आम तौर पर लोग पुलिस को जरूरी इन्फॉर्मेशन समय रहते नहीं देते, अपने सामाजिक और इंसानी कर्तव्य का पालन नहीं करते। 2 हफ्तों तक मुंबई शांत रहा। या तो अपराधी शहर से निकल गया था, या फिर पुलिस को इतना सतर्क देखकर खामोश हो गया था। सर बदबू पे बहुत दिनों से आ रही थी, मुझे लगा कोई जानवर मरा हो, लेकिन सर मैं ऊपर जब जाके देखा तो लाश काफी सड़ चुकी है। हाँ सर, इधर कोई आता जाता नहीं है तो किसी ने लाश देखी नहीं होगी। ये गले पे निशान दिख रहे? लगता है इसको भी गला घोट के मारा गया है। बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर लड़की की हत्या करीब 1 महीने पहले हो चुकी है गला घोट के, और उससे पहले उसके साथ बलात्कार हुआ है। और सर पिछले 2 वारदातों की डीएनए रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। डीएनए रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तीनों हत्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं, और इन तीनों लड़कियों के साथ रेप किसी एक ही आदमी ने किया है। रिपोर्ट में और कुछ? हाँ सर, अभी जो बॉडी मिली है, फॉरेंसिक वालों ने बताया कि उसके हाथ में एक नंबर भी लिखा हुआ था, मोबाइल नंबर, किसी उत्तम चंद का है। सर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने क्या किया है? घोड़बंदर के सुनसान खंडर में एक लड़की की लाश मिली, और लाश की हथेली पे तुम्हारा मोबाइल नंबर मिला है। मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मेरा तो प्रिंटिंग प्रेस है, दर्जनों कस्टमर है, हमेशा किसी न किसी का फोन आते रहता है, फोन में चेहरा थोड़ी दिखता है सर। ज्यादा होशियार मत बन, अभी अपने तरीके से पूछूंगा ना, सब साफ साफ दिखने लगेगा। देशमुख के काम करो, इसको लेकर इसके सभी क्लाइंट्स के पास जाओ, और पता करो कि महीने भर से कोई लड़की लापता हुई है क्या। ओके सर। सर उत्तम चंद के क्लाइंट्स में से किसी को कुछ नहीं मालूम उस लड़की के बारे में। हेलो। हाँ ठीक है। क्या हुआ सर? लड़की का ऑफिस का पता चल गया। सर विद्या पाठक हमारी कंपनी की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी, और उस दिन वो बैंगलोर के लिए निकली थी सर। बैंगलोर क्यों? बैंगलोर में हमारी कंपनी का एक ब्रांच है, लेकिन उस दिन के बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। उसके पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं, और हमने वसाई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दर्ज कराई है। विद्या के पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? सर वो विरार से आती थी। उसके हाथ पे ये नंबर मिला था। सर विद्या की एक आदत थी, वो कुछ भी किसी से भी बात करती थी तो नंबर अपने हाथ पे लिख लेती थी। और सर व्हाट हैपेंड? आप कौन? सर ये हमारे जीएम है, मिस्टर विकास पटेल सर। सर पुलिस को विद्या की लाश मिली। व्हाट माय गॉड, अभी 6 महीने पहले तो उसने हमारा ऑफिस ज्वाइन किया था,
ये सब कैसे हुआ? पुलिस जांच कर रही है। एनीवे मुझे निकलना होगा, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है बोरीवली में। एंड अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प की जरूरत हो, आप ये मेरा कार्ड रखिए, प्लीज कॉल मी एनी टाइम। आई एम रियली सॉरी, आई विल हैव टू रश। ओके क्या आप बता सकते हैं विद्या के पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? जी हमें जब भी बच्चे की लाश मिली है उसके बाद हर बार एक लड़की की लाश मिली है, लेकिन इस बार लाश मिलने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सर अभी तक हमें पवन के बारे में कुछ पता नहीं चला है। हमें जल्दी इस पवन के बारे में पता करना होगा, कहीं वो भी इस घटनाक्रम का शिकार तो नहीं होगी। सब एक महीने से ढूंढ रहे थे, एक महीने से। आखिरी बार आप लोग उससे कब मिले थे? उसी रोज जब वो बैंगलोर जा रही थी, उसके साथ उसका मंगेतर भी था साहब। कौन मंगेतर? अनुपम पाटिल साहब, बहुत अच्छा लड़का है साहब, इंश्योरेंस एजेंट है। एक महीने पहले ही दोनों की सगाई हुई थी साहब, दोनों बहुत खुश थे, दिसंबर में शादी तय हुई थी साहब। बाय। बाय। आपको पक्का यकीन है कि वो ऑटो से ही गई थी, टैक्सी तो नहीं थी ना? अरे नहीं साहब, मैं ऑटो लेके आया था। ये अनुपम पाटिल कहाँ रहते हैं? सर महीने भर से ढूंढ रहा हूँ उसको, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, यहाँ लोकल थाने के चक्कर काट काट के पागल हो गया। वो सही विरार, मीरा रोड, मुंबई सेंट्रल तक गया। कब से जानते हैं उसको? सर हम लोग एक साथ कॉलेज में थे, 5 साल हो गए। विद्या से किसी की कोई रंजिश, कोई झगड़ा? नहीं सर, उसका किसी के साथ झगड़ा हो ही नहीं सकता। अगर कोई ऊंची आवाज में भी बात करे ना तो भी डर जाती, कोई उसको बुरा भी बोल दे तो भी कुछ नहीं बोलते। मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया सर? ताकि आप वो बातें बता सके जो उधर ऑफिस में बोल नहीं पा रही थी। एक्चुअली विद्या और बॉस के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। क्या थी प्रॉब्लम? विद्या जिस दिन बैंगलोर के लिए निकल रही थी उस दिन बॉस उसे अपने केबिन में बहुत डांट रहे थे। बॉस के साथ उसका रिलेशन? विद्या मार्केटिंग में थी और हमारी कंपनी का सारा काम मार्केटिंग से ही होता है, तो बॉस के साथ उसका उठना बैठना लगा रहता था। ये विकास के साथ भी? वैसे तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सीक्रेटिव है, बाकी वो अपने बारे में किसी को ज्यादा कुछ नहीं बताता। अब बताएगा। देखिए मुझे जो मालूम था मैंने आपको बता दिया है, वो महज एक एम्प्लॉय थी। एंड आई एम रियली सैड कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ, इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। फिर तो हमें आपको थाने में एक दो दिन और रखना पड़ेगा। किस जुर्म में? अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो मजबूरन हमें आपकी रिमांड लेनी पड़ेगी। देखिए मैं अपने लॉयर से बात करना चाहता हूँ। और आप ये कैसे कह सकते हैं? 20 साल हो गए मुझे इस नौकरी में, कुछ कुछ नजरें पड़ना हम भी अच्छे तरीके से जानते हैं। अभी आप बताएंगे या कोर्ट से ऑर्डर मंगवाओ? देखिए अब वो मैं और विद्या, आई मीन हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा था। क्या? हम एक दूसरे से प्यार करते थे। उसकी शादी तय हो चुकी थी और हम उसके मंगेतर से मिलके आए। हाँ मैं जानता हूँ कि उसका मंगेतर था, लेकिन वो उस रिश्ते से खुश नहीं थी। वो एक साधारण सा इंश्योरेंस एजेंट था और वो काफी एम्बिशियस थी, वो जिंदगी में आगे जाना चाहती थी, स्मार्ट थी। और इसलिए उसका इस्तेमाल किया और बाद में फेंक दिया। देखिए हम दोनों शादी करने वाले थे जिस दिन वो बैंगलोर जा रही थी। मुझे कुछ और टाइम चाहिए, मम्मी पापा को भी बताना। और फिर पिछले 3 महीने से तुम मुझसे टाइम मांग रही हो। इनफ इज इनफ यार। विद्या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और कितने दिन तुमसे दूर। सर आप ही बताइए, जिस लड़की से मैं इतना प्यार करता था, जिससे मैं शादी करने वाला था, मैं उसे क्यों मारूंगा? क्यों? देखिए आप अभी जा सकते हैं, लेकिन बिना हमारी परमिशन के आप मुंबई से बाहर नहीं जा सकते। इस आदमी का बैकग्राउंड चेक करवाओ, मुझे इस आदमी पर शक है। कोई खबर नहीं तेरे बेटे की, मिलती खबर भिजवा देंगे। अब तुम जाओ। सर इस आदमी की बेसिक डिटेल्स मिल चुकी हैं, ये आदमी शादीशुदा है। इतना परेशान क्यों तू? घर पे बीवी से झगड़ा करके आया क्या? बीवी को बुलवाओ यहाँ पे। देखिए हमारा डाइवोर्स होने वाला है, मेरे लॉयर से बात हो चुकी है। अपने अफेयर के बारे में तो अभी तक बीवी को बताया नहीं, फिर डाइवोर्स कैसे लेगा तू? बताया था आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या? ये विद्या मुझे 3 महीने से शादी की डेट के लिए टाल रही थी, जिसके खातिर मैं अपनी 7 साल पुरानी शादी को छोड़ रहा था। लेकिन बैंगलोर जाने से पहले मुझे उसने बोला था मुझे बस बैंगलोर से लौटने दो, फिर पक्का शादी कर लेंगे। मैंने अनुपम को भी बता दिया, बस तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ प्लीज। विकास के आंसू सच्चे हैं या झूठे, विकास की बातें मनगढ़ंत हैं या हकीकत का बयां, ये पुलिस की जांच पड़ताल उजागर कर देगी। लेकिन इतना तय था
कि विद्या की मौत का मकसद इंसानी रिश्तों के दरमियान ही था। प्यार जैसी खूबसूरत भावना मौत की बदसूरत शक्ल अख्तियार कर सकती है, इसकी मिसालें अपराध के इतिहास में भरी हुई हैं। अगर पुलिस का शक विकास पर है तो सवाल यह उठता है कि रिश्तों का वो कौन सा दंश था जिसने विकास को विद्या की हत्या के लिए उकसाया, या फिर सच कहीं और, कुछ और ही है। सर, विकास पटेल ये आदमी ठीक तो नहीं है, लेकिन यह कांड इसने नहीं किया। ये देखो डीएनए रिपोर्ट। तुमने विकास पटेल की एक बात पे गौर किया? कौन सी बात सर? उसने हमें बताया था कि विद्या ने बैंगलोर जाते समय उससे कहा था कि लौटती वो उससे शादी करेगी। मुझे बस बैंगलोर से लौटने तो फिर पक्का शादी कर लेंगे। और उसने ये बात किसी और से भी कह दी थी? हाँ सर, वैसे भी विद्या के बैंगलोर से लौटने के बाद विकास से शादी करना, अगर किसी को सबसे ज्यादा अखरता तो वो यही शख्स है। और सर, वैसे भी अमीर विकास के सामने इसकी हैसियत ही क्या है। चलो चलकर इससे पूछताछ करते हैं। नहीं सर, ये नहीं हो सकता। विद्या और उसका बॉस, नहीं सर, ये सब झूठ है। ऐसी कोई बात नहीं है, विद्या ने मुझे नहीं बताई। लेकिन विकास का तो कहना है कि इस रिश्ते को लेकर विद्या की तुमसे बात हुई थी। सर ये विकास, ये जो कोई भी है ना, ये झूठ बोल रहा है। मेरी विद्या मुझे धोखा नहीं दे सकती। साहब, मैं तो पहले इसको बोला था, लड़की तेज है, तेरे हाथ से निकल जाएगी। ये ठहरा साहब मामूली इंश्योरेंस एजेंट, 15,000 रुपए से ज्यादा कमाता नहीं है। दीवाना हुआ पड़ा था उस लड़की के पीछे, सुन ले, बॉस के साथ चक्कर चल रहा था उसका। तू चुप कर जा राकेश, सब झूठ है, तू जा यहां से। मैंने इसको समझाया था। इस अनुपम से तो कुछ पता नहीं चला। एक काम करो, इसका डीएनए टेस्ट करवाओ और अपना एक आदमी सिविल में खड़ा रखो। ओके सर। सर ये तो टैक्सी ड्राइवर है। पकड़ गया था। ओके सर। मैंने कुछ नहीं किया, क्यों पकड़ रहा है? सच सच बताएगा अहमद? सर सर सर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर, मैं विद्या को जानता तक नहीं हूँ सर, मेरा कोई लेना देना नहीं है सर उससे। तो उधर चौल में इतना बड़बड़ क्यों कर रहा था? साहब मैं अनुपम को भाई मानता हूँ, बस इसीलिए मैंने बोला। ये लड़का अनुपम सर उस लड़की के पीछे बिल्कुल दीवाना था, लेकिन वो लड़की बहुत तेज थी, बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखती थी साहब। ये कई बार तो मेरी टैक्सी लेके गया साहब उसको घुमाने के लिए। हाँ हेलो, क्या कंट्रोल रूम को अलर्ट कर दो और उसको पकड़ो। सर अनुपम के चौल से अपना ही आदमी था। अनुपम अभी अभी वहां से निकल रहा है, और सर उसके हाथ में कुछ बैग वगैरह भी था। विद्या के बैंगलोर जाने की कुछ रोज पहले मैंने पता कर लिया था क्या चल रहा है उसके और उस कमी ने विकास के बीच। कैसे? फोन नहीं उठा रही थी मेरा। एक दिन शाम को वो और विकास गाड़ी से उतरकर सड़क के किनारे खड़े थे। जब मैंने देखा तो मेरा खून खौल गया। मैंने विद्या से सीधे सवाल कर लिए। क्या चल रही है? कौन था वो? वो अनु, मैं तुझे बताने ही वाली थी। क्या? कि अपना ये एंगेजमेंट शादी नहीं हो सकता, पहले की तरह फ्रेंडशिप। दिमाग तो ठीक है? हाँ छोड़ मेरा, मैं लाइफ में कुछ बनना चाहती हूँ, बहुत पैसे कमाने हैं मुझे। मैं तेरी छोटी सी खोली में अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। फिर क्यों किया एंगेजमेंट? देख मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, और तेरे को भी नहीं, याद रख।
फिर एक रोज विद्या बैंगलोर के दौरे पर निकल रही थी। सॉरी बोलने आया तेरे को। मेरे को तेरी सॉरी वॉरी नहीं चाहिए, तू जाए यहाँ से। देख, मेरे को तेरा प्रपोजल मंजूर है, हम दोस्त रहेंगे, तू जा उसके साथ। चलती हुआ, ध्यान रखना अपना। विद्या वहां से विदा हो गई। मुझे मालूम था विद्या रेलवे स्टेशन ऑफिस होके ही जाएगी। बाय बाय। मैंने राकेश से उसकी टैक्सी ले ली और विद्या ऑफिस से छूटने के 5 मिनट पहले ही उसके ऑफिस के गेट के सामने खड़ी कर दी। टैक्सी मुंबई। विद्या बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम क्यों आया? तुम बैंगलोर जाने से पहले एक आखिरी बार तुम्हें स्टेशन छोड़ना चाहता हूँ। टैक्सी रेलवे स्टेशन के रास्ते चल पड़ी, फिर कुछ दूर जाके मैंने रास्ता बदल लिया। अनुपम तुम कहाँ लेकर आए हो? गाड़ी रोको अनुपम, गाड़ी रोको। सारा शरीर नफरत से जल रहा था मेरा। विद्या को अंदेशा हो गया। ये मुझे कहाँ लेकर आए हो? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे स्टेशन जाना है। मैं छोड़ रहा हूँ ना तुम्हें, मेरी बात सुनो, बहुत जरूरी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मेरी बात सुनो। गला घोट कर मार डाला मैंने उसको, पर उससे पहले उसकी इज्जत लूट ली। बचाओ! ऊपर पहुंचना था ना तुम्हें, आओ तुम्हें ऊपर पहुंचा देता हूं, मुक्ति देता हूं। नहीं! उसको मारकर भी चैन नहीं मिला मुझे। जब भी लड़की लोग को देखता ना साहब, पागल हो जाता मैं, दिमाग खराब हो जाता मेरा। नफरत सी हो गई थी औरत जात से। फिर मैंने सोच लिया, शांति का एक ही उपाय, एक ही तरीका। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया। रास्ते के किसी गरीब बच्चे को मैं पैसे देके, एक्टिंग का झांसा देके उसे उठा लेता, उसे अच्छे महंगे कपड़े पहना कर क्या करना है कैसे करना है समझा देता, और फिर कहीं किसी सड़क पे किसी लड़की के सामने यही लड़का खोजने की एक्टिंग करता था, मैं सही मौके पर राकेश की टैक्सी लेके सामने पहुंच जाता, मदद करने के बहाने दोनों को टैक्सी में बिठा लेता था, और लड़की का रेप और मर्डर करके बच्चों को जहरीला केक खिलाता था और उनकी जान लेता था। मैंने अखबार में पढ़ लिया, पुलिस को कुछ लाशें मिली है, आपका अलर्ट भी देखा, फिर मैं रुक गया। 3 लड़कियां और 2 बच्चे, और भी कोई था तेरा शांति का जरिया? हाँ था ना, एक को तो मैंने भाईंदर की खाड़ी में फेंक दिया, उसे आप ढूंढ नहीं पाएंगे, एक बड़ा पत्थर बांध दिया उसके गले में, और बच्चा लोहनी टॉस के पीछे वाले जंगल में। अरे क्या साहब, रोज रोज कहाँ लेकर जाते हो? मैंने कहा ना, मेरा पवन जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ। कल रात में मेरे सपने में आया था और मुझे कहा, माँ मैं आ रहा हूँ। मैं नफरत एक लाइलाज बीमारी है जो इंसान की संवेदनाओं, उसके जमीर को खोखला कर देती है। अनुपम के खिलाफ आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत अपहरण, बलात्कार और हत्या के लिए मीरा रोड सत्र अदालत में केस दायर किया गया है। प्रोसिक्यूशन ने माननीय अदालत से अनुपम को मौत की सजा देने की गुहार लगाई। बच्चों की जिंदगी को अपराध का जरिया बनाया गया, मासूम लड़कियों की इज्जत और जान ली गई। अगर गौर से देखा जाए
तो इसकी मुख्य वजह सतर्कता में कमी थी। किसी ने सच कहा है, Eternal vigilance is the price of liberty, यानी निरंतर सतर्कता आजादी की कीमत है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। लाल दोशीला फिर मैं घर चला जाऊंगा मुन्नी को ले। अरे सबसे बड़ी आदत होती है हमारी सोच। जब तक ये आदत नहीं बदलती तब तक हालात नहीं बदलते हैं। जी बोलिए। मैंने अपने बेटे का खून किया है, मार दिया उसको जान से, खत्म कर दिया सब कुछ। साहब एक मिनट, साहब सुनिए। साहब ये मेरे ससुर है साहब, और इन्होंने आपसे जो भी कहा है साहब झूठ कहा है। मैंने मारा अपने शौहर को, समीर को मैंने मारा है साहब। सबीना तू घर जा। साहब ये झूठ बोल रही है, ये मुझे बचाना चाहती है। साहब नहीं साहब, मैं सच कह रही हूँ, समीर का कत्ल मैंने ही किया है साहब। सबीना मैंने कहा ना तू घर जा। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में काम करने वाले रहमत शेख, जिनकी उम्र करीब 60 साल की है, वो एक दिन करमपुर पुलिस स्टेशन में आते हैं और अपने इकलौते बेटे की हत्या का जुर्म कबूलते हैं। उसी समय वहां पर मरने वाले समीर शेख की पत्नी सबीना शेख भी आती है और कहती है कि ये कत्ल रहमत ने नहीं बल्कि उसने किया है। कौन झूठ बोल रहा था और कौन सच? क्या सबीना सिर्फ अपने ससुर को बचाना चाहती थी? आखिर किसने मारा था समीर को? ठीक है, आपने मारा अपने बेटे को, तो बताइए लाश कहां पर है? सर। हाँ संतोष, हमारे पास एक केस आया जिसमें दो लोग एक ही कत्ल की बात कबूल रहे हैं। अब दोनों में सच कौन बोल रहा है पता नहीं। तुम एक टीम लेकर उस लोकेशन पर जाओ जो रहमत शेख ने बताई है। यस सर। अब समीर की लाश ही सारा सच बोलेगी। सुमंत, इस केस की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें रिश्तों की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। रहमत जी, आपने पहले भी अपने बेटे के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत की है, इस बार ऐसा क्या हुआ जो आपने इतना बड़ा कदम उठाना ठीक समझा? हर बाप जब अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है तो यह उम्मीद बिल्कुल नहीं करता है कि बड़ा होके उसी पर वो उंगली उठाए। समीर जब पैदा हुआ था तो हमारे घर में खुशियों का माहौल था। मुबारक हो। शुक्रिया, आप लोगों को भी मुबारक हो। शुक्रिया। अरे वाह वाह वाह, मुबारक हो। अरे आपको भी मुबारक हो। इसको गोद में ले लो।
अरे कुछ 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 मुझे तो लगा था कि मुझ पर जाएगा लेकिन ये तो अपनी अम्मी पर गया है। खोलता है आगे खोलता है आगे खोलता है। उसने जब मेरी उंगली पकड़ी थी तो मैंने सोचा था बहुत अच्छे से उसकी परवरिश करूंगा और बड़ा होकर वो मेरा सहारा बनेगा। ये ये वाला देखो और ये देखो मंकी कैसे बोलता। जब आप दोनों में इतना प्यार था तो फिर बाद में क्या हुआ? समीर मेरा बेटा नहीं, मेरा ख्वाब था। समीर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था और बड़े होकर बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता था। मगर एक एक्सीडेंट में समीर का बायां पैर खराब हो गया। पैर खराब होने की वजह से वो कभी भी दोबारा क्रिकेट नहीं खेल पाया। यही उसका एक इकलौता ख्वाब था जो पूरी तरह से टूट चुका था। मैंने बाप होने के नाते उसको बहुत समझाया, बहुत कोशिश की हर तरह से कि बेटा पैर खराब होने की वजह से किसी इंसान की किस्मत नहीं खराब हो जाती है। प्यार से समझाया, डांट से समझाया, हर तरीका अपनाया लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। वक्त के साथ साथ समीर चिड़चिड़ा होता चला गया और फिर अपने आपे से बाहर निकल गया। ह्यूमन साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के हिसाब से जब किसी इंसान को ऐसी चोट लगती है जिसका सीधा संबंध उसकी जिंदगी के लक्ष्य से होता है तो उसे गहरा आघात पहुंचता है। समीर की दिखने वाली चोट तो ठीक हो गई थी लेकिन उसका जो घाव था वो उसके जहन में अब भी बाकी था जो शायद किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। अब मेरे रिटायरमेंट को सिर्फ 5 ही साल बचे हैं। देख समीर, मैं तुझे अपने पैरों पर खड़े हुए देखना चाहता हूं। दुनिया भी उसी का साथ देती है जो उनका साथ दे। अरे जिस तरह से तू चल रहा है ना उस तरह से तू अपना ही साथ देने के लायक नहीं बचेगा। क्या रोज रोज की खिटखिट लगा के रखी है? अरे जिससे तू खिटखिट बोल रहा है ना, बड़ा होने के नाते समझा रहा हूं। पॉलिटेक्निक के कोर्स के लिए तुझे पैसे दिए थे, अपने निकम्मे दोस्तों के साथ तूने उड़ा दिए। जिंदगी मेरी है और मुझे खुद पता है मुझे कौन सी टेक्निक कहां लगानी है और आपने ये रोज रोज की ना लेक्चरबाजी बंद कर दो। अरे और कुछ नहीं तो अपनी छोटी बहन का ख्याल कर। कैसे करेगा इसका निकाह? मैं क्यों करूंगा इसका निकाह? आपने पैदा किया है ना तो आप करेंगे इसका निकाह। और पैसे की इतनी फिक्र हो रही है ना तो अम्मी को इतनी महंगी गोलियां देने के साथ साथ 4 रुपए की सल्फास की गोली दे दो। पैसे भी बचेंगे और इन्हें जन्नत भी नसीब होगी। आप ज्यादा परेशान मत होइए, समीर अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाएगा। अरे कब समझेगा अपनी जिम्मेदारियों को? मैंने तो सारी उम्मीद ही खो दी है। अभी भी एक उम्मीद बाकी है। ऐसा करते हैं उसका निकाह करा देते हैं। बीवी और बच्चों का बोझ इंसान को जिम्मेदार बना देता है। और फिर मेरी बीवी ने मुझे सलाह दी, किसी अच्छी लड़की को देखकर समीर के साथ उसका निकाह करा दीजिए। पहले मैं इस सलाह के बिल्कुल खिलाफ था। मैं नहीं चाहता था कि किसी भी लड़की की जिंदगी समीर के साथ बर्बाद हो और फिर मुझे बीवी की जिद के सामने घुटने टेकने पड़े। मुझे भी उसकी जिद में एक
उम्मीद की किरण दिखाई दी और फिर हमने समीर का निकाह सबीना के साथ करवा दिया। देखने तो दे, अरे क्या हुआ? सुहाग रात है मेरी, वैसे निकाह हुआ है हमारा। सुनो तो छोड़िए। अरे सुनो तो छोड़िए हमें। छोड़िए मुझे। अरे नूर, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं आ गई हूँ ना, अब मैं संभाल लूंगी, मुझे करने दो। अभी कल ही तो आपका निकाह हुआ है और अभी से आप ये सब करोगी? नहीं नहीं, मुझे दो। तुम ये सब छोड़ो, अब बस ससुराल जाने की तैयारी करो और ये सीखो कि सास ससुर का ध्यान कैसे रखते हैं। हाँ मैं ये सब कर लूंगी। अरे भाभी, ये आपका हाथ कैसे कट गया? रुखसती के वक्त इधर उधर कहीं से लग गया होगा, ध्यान नहीं रहा ना। ये चाय हो गई? हाँ भाभी, मैं अम्मी अबू को चाय देती हूँ, आप सब्जी काट। हाँ 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 बिल्कुल। समीर मेरे साथ कर रहा था, उसके बारे में मैं सिर्फ अपनी अम्मी को ही कह सकती थी। जब मैंने अम्मी को सब बताया तो उन्होंने मेरी इस बात को तवज्जो ही नहीं दी। उनका कहना था कि हर निकाह में ये सब होता रहता है, मेरा निकाह नया है इसीलिए शायद मुझे ये सब अजीब लग रहा है। अम्मी ने कहा कि मैं सब कुछ भुलाकर अपने रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करूं, लेकिन समीर ने मुझे सब कुछ भुलाने नहीं दिया। सब कुछ सहती रही, मैंने समीर के अम्मी और अब्बू को कुछ नहीं बताया। वो अच्छे लोग थे साहब, मैं उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैरिटल रेप यानी कि पति द्वारा पत्नी का बलात्कार हमारे समाज का एक घिनौना आईना है और ज्यादातर केसेस में तो इस बात को हमारे समाज में दबा दिया जाता है या नजरअंदाज कर दिया जाता है और यहां तक कि कई केसेस में तो पत्नियां इसे अपनी किस्मत मान बैठती हैं। लेकिन ये चुप्पी इस समस्या का हल नहीं बल्कि बलात्कार करने वाले को बढ़ावा देना है और यही समीर और सबीना के केस में हुआ। एक गलत फैसले से सबीना की जिंदगी बर्बाद हो गई। हमने सोचा था कि इस निकाह की वजह से हमारा बेटा समीर सुधर जाएगा, लेकिन यह नहीं सोचा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबीना की जिंदगी पर क्या गुजरेगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ।
मीर की जिंदगी एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ चुकी थी जहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल था। मेरे खून पसीने की कमाई है, तुझे अय्याशी में उड़ाने नहीं दूंगा मैं। अगर तेरी पैदाइश के वक्त मुझे पता होता ना कि इस घर में शैतान जन्म लेने वाला है तो उसी वक्त तेरा गला घोंट देता मैं। छाती पर लेके जाओगे पैसा? हाँ, करोगे क्या इसका? इस मरियल बुढ़िया पे खर्चा करने के लिए सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। घर तो आपसे चलता नहीं, लेकिन जुबान दिन रात चलती है। मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश की ना तो उस घर के साथ साथ इस घर की हर चीज बेच दूंगा, समझे? लाद। समीर की वो आदतें, उसका गुस्सा, उसका पागलपन, इन सबसे कहीं ना कहीं घर को खतरा था, जो मुझे अब साफ साफ महसूस हो रहा था। आज उसने पैसे चुराकर हमारे साथ बदतमीजी की, कल को घर के सारे पैसे खत्म हो जाते, वो किसी भी नीच हरकत पर उतर सकता था, वो मेरी बेटी नूर को भी भेज सकता था, और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैंने हर नाकाम कोशिश की उसकी गंदी आदतों को खत्म करने की, लेकिन उसकी गंदी आदतें खत्म नहीं हुई, इसीलिए मैंने उसे खत्म कर दिया, मार दिया उसे, मार दिया उसे। आदमी अपनी खिचड़ी पका रहा है सर। जहां पर इसने बताया था हमने पूरी तरह सर्च किया, पर बॉडी नहीं मिली सर। ठीक है संतोष, इसका मतलब सबीना ठीक कह रही थी, रहमत ये सब उसे बचाने के लिए कर रहा है। मैं सब कुछ सहती रही ये सोच कर कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगा साहब समीर को अकल आ जाएगी, वो एक दिन सुधर जाएगा, लेकिन इस बार जो उसने किया मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। हेलो जी, तू होती कौन है मेरी जिंदगी में दखल देने वाली? तुझे तो मुझसे सारे मजे मिलते हैं ना, या मैंने कोई कसर छोड़ी है? अब इसके आगे मैं किसी के साथ कुछ भी करूं, जीऊं मरूं सोऊं पीऊं, तू होती कौन है मेरी जिंदगी में दखल देने वाली? चल। अरे क्या कर रहा तू? अबे मेरी बीवी है, दिक्कत हो रही है तेरे को? हां दिक्कत हो रही है तेरे को, चल जा। तेरी यही औकात है, इसे समझ
और अपनी औकात में रहे। जो जिल्लत में बंद कमरे में सहती रही वो अब पूरी दुनिया के सामने थी। साहब, एक औरत अपने शौहर की मार तो सह सकती है लेकिन वफाई पर वार नहीं। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई साहब, मार डाला मैंने उसे, मार डाला मैंने। सबीना, तुमने अपने पति को कहां मारा और कहां ठिकाने लगाया उसकी लाश को? साहब, यही मारा था मैंने उसे। हाँ, मारा था तो फिर लाश किधर है? मालूम नहीं साहब, यही होनी चाहिए थी। सुमन, एक काम करो, सारी एरिया चेक करो। लाश कहीं नहीं मिली। सबीना, अगर तुमने अपने पति को मारा था फिर लाश किधर है? देखो, तुम बहू और ससुर पुलिस से झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि पुलिस का डंडा जब घूमता है ना तो गड़े मुर्दे भी उठ खड़े होते हैं। एक लाश क्या चीज है? लेकिन साहब, मैं आपसे बोल रही हूँ ना, मैंने उसे यही मारा था। और साहब, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं? झूठ तो वो बोलता है जो सजा से बचना चाहते हैं। मैं तो अपना जुर्म खुद कबूल कर रही हूँ। अब तक ऐसा लग रहा था कि रहमत और सबीना दोनों ही पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चार्जशीट फाइल करने से पहले समीर की बॉडी मिलना बहुत जरूरी था। क्या सबीना और रहमत एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, या अब भी ऐसी कुछ बातें थी जो उन्होंने दिल्ली पुलिस को नहीं बताई थी? और यही जानने के लिए दिल्ली पुलिस ने समीर से जुड़े हर उस शख्स से पूछताछ शुरू कर दी जो कि समीर के परिवार को जानता था। कहीं भी कुछ नहीं मिला। हाँ साहब, समीर और सबीना में मनमुटाव तो था। अक्सर उनके घर से मारपीट की आवाजें भी आती रहती थी। समीर के पिताजी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर पता नहीं समीर ऐसे कैसे निकल गया। अक्सर शराब पीकर हंगामा करना जैसे उसकी रोज की आदत हो गई थी। नशे में तो किसी को भी गालियां देने लगता था साहब, हम लोग तो उससे परेशान हो गए थे। एक रात को तो मेरे घर के बाहर आकर उसने बहुत सारी गालियां दी। रहमत भाई तो उससे परेशान हो गए थे, उनका तो घर से निकलना मुश्किल कर दिया था उसने। झगड़ा तो उसका सबके साथ होता था साहब, बीबी को मारता था, एक रोज तो उसने रहमत चाचा को भी मारा था। हमेशा शराब के नशे में धुत रहता था। उस रोज तो रात को भी उसने रहमत चाचा के साथ झगड़ा किया था। सर, ये केस खुद चल के हमारे पुलिस स्टेशन आता है और दो लोग खुद को मुजरिम बताते हैं। समीर के बारे में जो इन दोनों ने बताया, पड़ोसियों के स्टेटमेंट के हिसाब से समीर बिल्कुल वैसे ही था। लेकिन सर, क्या ये हो सकता है कि ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हों? ये हो सकता है कि समीर मिसिंग हो, मरा नहीं है। और अगर वो मरा है तो उसकी लाश कहाँ है? क्योंकि सर, जब तक हमें लाश नहीं मिलती हम कैसे मान लें कि समीर मर चुका है? सुमंत, यही तो जानना है कि आखिर समीर की लाश गई कहाँ, और यहाँ ये दोनों सबीना और रहमत खुद की अपनी खिचड़ी पकाए जा रहे हैं। इस पूरी स्टोरी में कोई तीसरी कड़ी जरूर है जिसका पता हमें जल्द से जल्द लगाना होगा इस सारी गुत्थी सुलझाने के लिए। आप दोनों के बताए जगहों पे तो बॉडी मिली नहीं,
तो बॉडी को आसमान खा गया कि जमीन निकल गई? आखिर हुआ क्या? अब तो ऐसा लगता है कि आप दोनों के बाद समीर खुद आकर यहां पर अपने मर्डर की बात कबूलेगा। आखिर माजरा क्या है रहमत साहब, क्यों झूठ बोल के हमें घुमा रहे हो? अपनी उम्र का लिहाज करो, अच्छा नहीं लगेगा इस उम्र में अगर हमें अपने स्टाइल में आपको घुमाना पड़े तो। अब मैंने ही मारा है अपने बेटे को, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? और झूठ बोलकर फायदा क्या होगा? आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अनीश से पूछ लीजिए। सर, अनीश की कुंडली निकाल ली है। पहले भी 2 मर्डर और 3 हाफ मर्डर कर चुका है, फिलहाल बेल पे बाहर है। उसका घर का पता भी रहमत ने दे दिया है। सुमंत, ऐसे लोग क्राइम के बाद उन अड्डों पे नहीं मिलते जहां पर वो अक्सर मिला करते हैं, यानी जरूर किसी बिल में छुपा होगा। एक काम करो, इसकी फोटोग्राफ चारों तरफ सर्कुलेट कराओ और अपने हर खबरी को आगाह कर दो। समीर की लाश का पता अब अनीस ही बता सकता है। अनीस कहाँ है? पता नहीं साहब, 3 दिन से घर नहीं आया। हम लोग भी चिंता कर रहे हैं। अगर वो आपको कांटेक्ट करता है तो सबसे पहले आप हमें बताएंगे। सलाम साहब। कोई खबर? कोई खबर नहीं साहब, दिल्ली का चप्पा चप्पा छान मारा। ठीक है, अनीस की कोई भी खबर मिले पहले मुझे फोन करना। ठीक है साहब, सलाम। अनीस हो रहा? साहब, वो बुड्ढा झूठ बोल रहा है साहब, वो सटिया गया है साहब। सच्ची बता रहा हूँ, ये गलत काम मैंने कब के छोड़ दिए। हाँ ये बात सच है कि ये सब काम मैं करता था, लेकिन ये सब काम मैंने बहुत पहले छोड़ दिया साहब। हाँ ठीक है, मैं उसके लड़के को जानता था, वो बुड्ढा हमारे एरिया में रहता था ना साहब। आप उसे किसी का नाम सूझा नहीं तो जबरदस्ती मेरा नाम ले रहा है साहब, फंसा रहा है साहब वो मेरे को। सच बोल रहा हूँ, खुदा की कसम। अब तक इस केस में जितने भी नाम सामने आए थे उनमें से किसी को भी मुजरिम साबित करना आसान नहीं था, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास अब तक कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं था जिसके आधार पर किसी को अरेस्ट किया जा सके। और कानूनन अब पुलिस इन तीनों को 24 घंटे से ज्यादा नहीं रोक सकती थी, इसलिए मजबूरन उन्हें सबीना, रहमत और अनीस को छोड़ना पड़ा। रहमत साहब, फिलहाल हम आपको घर जाने दे रहे हैं, क्योंकि जब तक समीर की बॉडी नहीं मिलती हम कोई चार्जशीट फाइल नहीं कर सकते। समीर की बॉडी को हम तलाश रहे हैं, पर बहुत जल्द इस केस की सारी परतें खुल जाएंगी। अनीस, अभी तुझे जाने दे रहा हूँ, क्योंकि हम अब भी डेड बॉडी की तलाश कर रहे हैं।
जिसके बिना यह केस आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन तू जब तक बेल पर बाहर है ना, इस थाने में शक्ल दिखाते रहना। हाँ सर, शक्ल दिखाते रहूंगा सर। सर ये वाटर मिली है सर, और इसमें हल्का सा ब्लड भी दिख रहा है। कहा ना, पुलिस के सामने मैं जाऊंगा, सारी गलती मेरी है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। नहीं अबू, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अम्मी और नूर का ध्यान कौन रखेगा? क्या नूर से कोई निकाह करेगा जब सबको ये पता चलेगा कि समीर को आपने मारा है? नहीं अबू, ये सही नहीं है। सबीना, एक बार मैं तुम्हें दलदल में धकेल चुका हूँ, अब दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने बाप होने का फर्ज सही तरीके से नहीं निभा पाया। अगर मैं ये फर्ज सही तरीके से निभाता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं जा रहा हूँ, तुम नूर और अम्मी का ख्याल रखना। अबू, अबू, अबू सुनिए, अबू, अबू। अम्मी, नूर, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अबू बहुत जल्द घर वापस आ जाएंगे। मैं हूँ ना, मैं छुड़वाऊंगी अबू को। तुम अपना और अम्मी का ध्यान रखो, मैं सब संभाल लूंगी। वैसे भी इस घर को अबू की बहुत जरूरत है, मैं सब संभाल लूंगी। भाभी, भाभी सुनिए तो। सलाम साहब, जानते हो दोनों को? हाँ, ये दोनों तो हमारे परमानेंट कस्टमर हैं। ये समीर है और ये अनीस है। आखिरी बार कब आए थे ये? कोई 4-5 दिन पहले, लेकिन उसके बाद नहीं आए। साथ में आए थे? दोनों साथ में आए थे और दोनों साथ में यहाँ से गए भी। फिर उसके थोड़ी देर बाद अनीस आया और एक बोतल लेकर यहाँ से चला गया। कौन सी बोतल ले गया था? ये वाली।
क्या नहीं, मर्डर भी अकेला करेगा, बॉडी का क्रियाक्रम भी अकेला करेगा। बड़ा खुदगर्ज टाइप कह रहे तू, थाने तो साथ साथ चलेगा ना। मैंने समीर को मारा था साहब, लेकिन इसकी सुपारी रहमत चाचा ने दी थी साहब। एक दिन वो घर पे आए थे साहब, मैं तो कहता हूं चाचा एक बार फिर से सोच लो, हमारा क्या जाएगा, तुम्हारा बेटा चले जाएगा। अरे बेटे की सुपारी दे रहे हो, किसी दुश्मन की नहीं, बोले तो उसके हाथ पैर ही तोड़ देता हूं, इतने में सुधर जाएगा वो। तू कैसे जाएगा? गाड़ी से जाएगा और कैसे जाएगा? आज भी गाड़ी लेके आया तू? हाँ चल। तो डाल दो शीला, फिर मैं घर चला जा मुन्नी को लेके। अरे हाँ अनीस, तेरे बाप ने तेरी सुपारी दी थी, मारना तो था ही तुझे। लाश जलाने की नौबत क्यों आई? साहब आप लोगों को मुझ पे शक हो गया था, इसलिए मैं भी डर गया था साहब, इसलिए मैंने फैसला किया कि लाश को जला डालूं साहब। तो साहब वो लाश ही नहीं रहेगी तो फिर सबूत ही नहीं रहेगा ना साहब। मैं अपने गुनाहों की सज़ा तो पाना चाहता ही था इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मेरा गुनाह सिर्फ उतना नहीं है जिसकी कोर्ट सज़ा देगा।
मैंने सबीना की जिंदगी बर्बाद की है। मैं समीर को गलत रास्ते पर जाने से रोक ना सका। मैं अच्छा बाप नहीं बन सका। सारी गलती मेरी है। शराब या किसी भी प्रकार का नशा इंसान को खोखला बना देता है, और जब नशे की लत नशा करने वाले के ऊपर हावी हो जाती है तब वो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। आज हमारे देश में ऐसे कई रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं जहां पर इस नशे की आदत से निजात दिलाने के लिए फ्री सहायता भी दी जाती है, और यही नशे की लत समीर के परिवार को भी तबाह कर रही थी। लेकिन रहमत ने जो किया उसने इस पूरे परिवार को ही तबाह कर दिया। हम सभी अपने परिवार से प्यार करते हैं और उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसकी कीमत किसी की जान नहीं हो सकती। रहमत के एक गलत फैसले का हर्जाना आज पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि परिवार का सबसे समझदार और जिम्मेदार सदस्य रहमत शेख आज जेल की सलाखों के पीछे है। समीर की बॉडी रिकवर होते ही रहमत और अनीस को हत्या और हत्या की साजिश के लिए अरेस्ट कर लिया गया। अब अपनी बची हुई जिंदगी वो जेल में गुजारेंगे। रहमत का फैसला आज उसके लिए एक सबक बन गया और हम सब के लिए सीख कि कैसे गलत फैसला पूरे परिवार को तबाह कर सकता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल, सबक एक को और सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.